अच्छा काम किसके अच्छे लगे, कौन से सांसद के काम अच्छे लगे, दीपेंद्र हुड्डा के अरविंद शर्मा के? दीपेंद्र हुड्डा, हाँ, बड़ा शरीफ और नेक ईमानदार आदमी है। लोकसभा चुनाव आ गया है तो पहली पसंद कौन है, किस सांसद देखना चाहोगे? दीपेंद्र क्या कर, ठीक है, दीपेंद्र हुड्डा देवांगे बेटा, खुली हाँ। क्यों दीपेंद्र हुड्डा के कारण? भाई को कुछ भी कारण हो चाहे हमारा मनु एक रहे। लोकसभा चुनाव आ गए हैं, पहली पसंद कौन है? दीपेंद्र हुड्डा भाई साहब। लोकसभा चुनाव आ गया है, पहली पसंद कौन है, किसे सांसद देखना चाहोगे? हम तो दीपेंद्र ने देखना चाहेंगे। चुनाव आ गए हैं तो पहली पसंद कौन है? पहली पसंद दीपेंद्र हुड्डा। क्या कारण? हाँ बोले, चुनाव आ गया लोकसभा, किसे सांसद देखना चाहोगे? भाई कती हाथ पे देंगे, जिंकल जी क्या नाम है? सूरजमल। कहाँ के रहने वाले? विजयनगर रोहतक जी। लोकसभा चुनाव आ गए हैं, हाँ जी, तो किसे सांसद देखना चाहोगे आपकी बार? मैं आपकी बात जो है दीपेंद्र हुड्डा। दीपेंद्र हुड्डा, हाँ, क्या कारण है जी दीपेंद्र हुड्डा? हमारे इलाके का जो है बहुत ज़्यादा इन्होंने जो है वो काम करवाया है, यहाँ जो है यह भाजपा का खट्टर सरकार थी, इसने हमारे हरियाणा में रोहतक में तो बिल्कुल ही काम नहीं करवाया, सब रोड टूटे पड़े हैं, हम काफ़ी परेशान हैं इस चीज़ से। अच्छा 2019 में दीपेंद्र हुड्डा को हार का सामना करना पड़ा था, क्या कारण रहा था? वो जी जो पल्ले जो वो सालाबाद साइड से जो बेल्ट है वहाँ से जो है ना काफ़ी लीड करवा दी उन लोगों से, उन्होंने इस करके जो वो लीड पूरी नहीं हुई और वहीं से जो है ना हार का कारण बन गया। अच्छा काम किसके अच्छे लगे, कौन से सांसद के काम अच्छे लगे, दीपेंद्र हुड्डा के अरविंद शर्मा के? दीपेंद्र हुड्डा, हाँ, बड़ा शरीफ और नेक ईमानदार आदमी है और बहुत योग्य है। हाँ तो अभी 15 दिन है जो चुनाव के रह गए हैं, हाँ जी, तो क्या कुछ लगता है क्या होगा चुनाव में? अभी चुनाव में दीपेंद्र हुड्डा की काफ़ी जोर शोर से हवा चल रही है और कम से कम जो है ना 3-4 लाख लीड से जो ना जीत दर्ज होगी। अंकल जी क्या नाम है आपका? रामचंद्र। रामचंद्र जी, हाँ रोहतक के रहने वाले हैं? हाँ रोहतक जी। लोकसभा चुनाव आ गया है तो पहली पसंद कौन है, किसे सांसद देखना चाहोगे रोहतक से? दीपेंद्र। दीपेंद्र, क्या कारण है दीपेंद्र हुड्डा को? जेंटलमैन पॉलिटिशियन। जेंटलमैन, थोड़ा हाँ काबिलियत बताइए उनकी, क्या कैसे लगते हैं आपको? काबिलियत व्यवहार अच्छा है, अपना बजट खर्च करते हैं, लोगों के बीच में मिलनसार रहते हैं, काम करते हैं। अच्छा सांसद तो अरविंद शर्मा जा चुके हैं, हाँ, उनका कैसा व्यवहार आया जनता के प्रति, कैसे काम किए उन्होंने? काम तो नहीं किए एज ए MP और ना ही जनता के दुख दर्द में शामिल हुए, इसलिए यही उनका नेगेटिव पॉइंट और कुछ नहीं। तो अब की बार क्या होगा, कुछ क्या देखने को मिलेगा चुनाव में? चुनाव में तो यहाँ से रोहतक से तो दीपेंद्र की जीत है। तो कितनी क्या सीट की आप हरियाणा से उम्मीद लगा रहे हो कि लोकसभा जो सीट है 10 में से कितनी कांग्रेस लेके जाएगी या कितनी BJP लेके जाएगी? 5-5। 5-5, हाँ, क्योंकि अदर पार्टी भी जो कंपटीशन में है, क्या उनका भी हिस्सा होगा? ना, नहीं कंपटीशन ही नहीं है बीच है ना, नहीं है, दो ही पार्टी है BJP कांग्रेस। तो रोहतक से आपकी दीपेंद्र हुड्डा राय? दीपेंद्र, ठीक है, दीपेंद्र हुड्डा देवांगे बेटा, दीपेंद्र खुली है, हाँ, हाँ। क्यों दीपेंद्र हुड्डा के कारण? भाई को कुछ भी कारण हो चाहे हमारा मनु एक रह सा। अच्छा दीपेंद्र हुड्डा किसे के लग गए हैं, किसे स्वभाव के लग गए? वो बहुत अच्छे स्वभाव का लग गए भाई। अच्छा अरविंद शर्मा कैसे लगते हैं BJP से? जो भाई वो हमारा मन नहीं करता उड़े, नहीं करता। अच्छा तो किस साइड, कांग्रेस की साइड जाओगे? हाँ कांग्रेस की साइड जाओगे जी। क्या नाम है सर आपका? नसीब पुनिया। पुनिया जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? मेरा वैसे तो गांव सोनीपत लोकसभा में है, वैसे मैं रोहतक रह रहा हूँ कमला नगर में। वोट यहाँ है कि आपकी? वोट अब रोहतक है, वैसे घर वालों की सोनीपत लोकसभा में। लोकसभा चुनाव आ गए हैं तो पहली पसंद कौन है लोकसभा? दीपेंद्र हुड्डा भाई साहब जी। क्या कारण है दीपेंद्र हुड्डा? दीपेंद्र का छवि बढ़िया है भाई साहब, लड़का बढ़िया है, पहले भी काम किए हैं और आगे भी है, फ्यूचर का नेता, हरियाणा भावी मुख्यमंत्री है। और सोनीपत से मैं कहना चाहूँगा लोकसभा प्रत्याशी जो कांग्रेस के हैं सतपाल ब्रह्मचारी जीतेंगे भारी बहुमत से। तो कैसा कुछ काफिला उनका? सतपाल ब्रह्मचारी देखो संत आदमी है, हरिद्वार में उनके आश्रम है, लोगों से जुड़े रहे हैं, महाराज जी हैं, तो लोगों में एक अच्छी उनकी छवि है। तो ये सेंटर में क्या लगता है प्रधानमंत्री किसे देखना चाहूँगा? प्रधानमंत्री देखो जी अभी जो चल रहा है अभी तो NDA की तरफ ही लग रहा है जो ज़्यादा है, लेकिन कांग्रेस भी बैक कर सकती है। अभी पिछले 10-15 दिन से जो राहुल गांधी जी ने मुद्दे उठाए हैं तो
तो कांग्रेस दोबारा से कर रही है अपना। अच्छा, रोहतक जो सांसद रहे हैं अरविंद शर्मा, दीपेंद्र हुड्डा भी पहले रह चुके हैं, रह चुके हैं, कौन से अच्छे लगे दोनों में से आपको? अरविंद शर्मा जी तो जी 5 साल से आए नहीं, हमारी कॉलोनी का रोड टूटा, मैंने उनको पर्सनल बोला था, माँ शर्मा जी ये रोड जो है इसके पैसे भी आ गए, ग्रांट भी आ गई, झज्जर चुंगी से जो इधर डिग्गी तक रोड है, तो उन्होंने वो भी सुनवाई नहीं की। PWD के इसमें पैसे आ चुके हैं रोड पास, और फिर भी गड्ढे हो रहे हैं। तो अरविंद शर्मा सिर्फ नाम के सांसद हैं जी, काम पे धरातल भी नहीं है, बिल्कुल जीरो वो है। 5 साल में कभी आए नहीं किसी कॉलोनी में, या कोई भी पानी का बिजली का कभी भी कोई कुछ किया ही नहीं अरविंद शर्मा जी ने। अच्छा, 15 दिन जो चुनाव के रह चुके हैं, तो क्या कुछ लगता है, क्या बदलाव, कुछ बदलाव होगा या इस चुनाव में क्या रहेगा? नहीं, हरियाणा की बात करूँ तो देखो जी, कांग्रेस की 5 से 6 सीटों पे फाइट है, और हम मान के चल रहे हैं 5 सीटें आएंगी, और विधानसभा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार बनाएंगे। अभी जो हाल फिलहाल का ये सिचुएशन है, जो लोगों का रुझान है, तो सभी यही लग रहा है विधानसभा आए, और सेंटर में कांग्रेस मजबूत होएगी। ये तो अब की बार जो बीजेपी है उसके खिलाफ है क्या लोग? खिलाफ नहीं है, राष्ट्रीय मुद्दों पे धारा 370, राम मंदिर जो मोदी जी ने अच्छे काम किए उसके हम साथ हैं। लोकसभा में जो 3 कृषि कानून आए, अग्निवीर का जो लेके आए, उससे हम इसके विरोध में हुए हैं। कुछ इन्होंने नीतियों में गलत किया, हम नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री अगेंस्ट नहीं है, दो ये कानून गलत लेके आए, सिर्फ इस वजह से हम इसके विरोध में हैं। बाकी ठीक है। क्या नाम है? बबीता। कहाँ के रहने वाले हैं? यही कमला नगर के। अच्छा, लोकसभा चुनाव आ गया है। हाँ जी। पहली पसंद कौन है, किसे सांसद देखना चाहोगे अब की बार? भाई हम तो दीपेंद्र ने देखना चाहेंगे। क्या कारण दीपेंद्र? कारण ये है, आशा हुड्डा से हमने जब मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, जो भी काम किया, चाहे वो घर का होया, चाहे वो बाहर का गली का होया, कोई भी काम होया, उन्होंने सुनाई करी और हमारा तुरंत काम किया, तो इसलिए और ना इतने ज़्यादा चक्कर कटाए। अब अगर गली में सीवर में पानी भी भर जाया है तो कितने चक्कर काटा, हाँ, लेकिन वो सीवर खुलता खड़े, नहीं खड़े रहा, पानी खड़िया का खड़िया रहता है, कितने एप्लीकेशन डाल लो, चाहे ऑनलाइन डाल लो, चाहे कैसे ही भी डाल लो, तो इस वजह से हम तो भाई दीपेंद्र हुड्डा ही वोट दें। अरविंद शर्मा जो सांसद रह चुके हैं, भाई इतनी बड़ी पार्टी ना, अरविंद शर्मा नाम क्यों जाना, ये हमारा शहर का है, मान ले कोई समस्या आज तक शक्ल नहीं देख लियो, हमारे शहर का हमारा कोई काम हो भाई, तो, है भाई। हम कोई भी काम हो अपना डी पार्क पे, वैसे इसकी कोठी है, पता लगे तभी मिलने मिलती है, काम पूरा कर दे, इसलिए हमारी पसंद है दीपेंद्र हुड्डा, हम इसी को वोट देंगे। राम राम बेटा। क्या नाम है? सतवंती। कहाँ के रहने वाले? कमला नगर। लोकसभा चुनाव आ गए हैं, हाँ, तो पहली पसंद कौन है? पहली पसंद दीपेंद्र हुड्डा। क्या कारण है? एक तो हमारे डिस्ट्रिक्ट का, हाँ, एक काम जो इसके पिताजी ने करवा दिए, इसने करवा दिए, किसी ने नहीं करवाए। अच्छा। रोहतक आज से 10 साल पीछे जा चुका है। अच्छा। अगर ये आ गया तो उसके है बढ़ोतरी आगे हो जाए। हाँ, इसलिए सांसद तो अरविंद शर्मा भी रह चुके हैं। अरविंद शर्मा ने अपनी गली का काम कराया होगा, बाकी सामूहिक काम कोई नहीं कराया, क्योंकि हमारे रोड देख लेना, रोड देख किसे हैं, अरविंद शर्मा ने कराया कुछ भी। दीपेंद्र हुड्डा और अरविंद शर्मा के जो काम है उनका डिफरेंट बताओ, क्या कुछ उनका डिफरेंस है, क्या कौन से काम उन्होंने करवाए? अरे करवाया कि जब कोई करवाया हो तो बताओ कि ये करवाया था, इसमें डिफरेंस क्या करवाया? रोहतक चमका दिया, हाँ, हुड्डा ने चमकाया, हुड्डा के पिताजी ने चमकाया, चमकाया इनने, ये जितना इनने चमकाया था ना उतना पीछे न गया, उतना पीछे न गया। तो हम तो चाहे दिलते हैं दीपेंद्र हुड्डा के साथ बेटा हाथ जोड़ के, नाम सांसद उसकी योगे से पंडित इसकी कहना बिल्कुल नहीं सरेआम इसके साथ। अच्छा, कांग्रेस की तरफ? हाँ, कांग्रेस की तरफ बिल्कुल। कांग्रेस धनपति धनपति हाँ है। अरे इसके बड़ी बहू के, बड़ी बहू, हाँ, बोले। अच्छा, चुनाव आ गए लोकसभा, हाँ, किसे सांसद देखना चाहोगे भाई? कती हाथ पे देंगे? हाथ पे? हाँ। अच्छा, क्यों हाथ पे, क्या कारण है? कारण का तो भाई देख मैं लिखने भी रहा। अच्छा, आपने नहीं भी रहा? नहीं, इतनी पढ़ना रे मत, 16 पढ़ रही हो रही है, 10वीं पहली वाली बताऊंगी के हो साहब है। बस हाँ, गणित पढ़िया दिमाग फेल हो गया। अच्छा, हाँ भाई, अरविंद शर्मा भी तो सांसद रहे हैं वो? भाई यार मन शर्मा ने मैं नहीं जान दी, हम तो भाई कांग्रेस की दे देंगे हाथ पे। बस ताई के नाम है? रोशनी। रोशनी भाई 10 साल हो गए, मैं रोहतक की रहने वाली हूँ, 10 साल हो गए भाई, ये भी इनका भी नंबर आना चाहिए, कांग्रेस का भी,
ये 10 साल हमारी कांग्रेस कर लेगी फिर मोदी का नंबर आ जाएगा। अच्छा। तो नंबर आना चाहिए भाई। किसी और का नंबर नहीं आना चाहिए ना, और होगी पर मारा तो भाई हुड्डा का सा है। अच्छा। दीपेंद्र हुड्डा बन जा और भाई सरपंच का काम भी करा लेंगे अपना। अक नहीं ना करेगा तो लड़ाई कर लेंगे। अक ना आगे बॉडी गार्ड रखेगा तो भी भाई दूंढ मार कर बढ़ जाएंगे। तो किसे सांसद देखना चाहोगे? दीपेंद्र हुड्डा ने बढ़ाएंगे इनका भाई। हाँ, अरविंद शर्मा ने क्यों नहीं? ना हमें ना जाना। हाँ, दीपेंद्र शर्मा नहीं जानते। हाँ।